दोस्तों रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आज आपके सामने एक और गोचर एक और ट्रांसिट आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। अप्रैल की 27 तारीख को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जैसे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो समझते होंगे कि मीन राशि में शुक्र जो है वो ऊंच के हो जाते हैं। कुंडली में जब हम शुक्र के बारे में विचार करते हैं तो शुक्र का को हम देखते हैं हमारी सुख सुविधा से, गाड़ियों से, लग्जरी से, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, आर्टिस्टिक एबिलिटी से, कला से, हमारे हमारे अंदर जो भी कलाएं हैं, जो हमें टैलेंट है उसको हम आंकते हैं शुक्र को देख करके। 25 तारीख को जैसे बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, दो दिन के बाद जब शुक्र मीन राशि में चले जाएंगे तो इसका फायदा बुध को मिलेगा, क्योंकि बुध जब वृषभ राशि में होंगे उनके स्वामी ऊंच के होंगे तो बुध को भी इसका फायदा होगा। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर दर्शाती है। 12वें घर से हम आध्यात्मिक चीजों को देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, हमारे खर्चे देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं। और जैसे ही शुक्र ऊंच के 12वें घर में प्रवेश करेंगे तो आप साधारण तौर पर देखोगे कि लोगों में एक इच्छा जागेगी अपने आप को समझने की, आध्यात्मिकता से जुड़ने की और अपने अंदर झांकने की, अपने आप को समझने की। लेकिन इस गोचर का अलग अलग लग्न पे या अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि अपने लग्न से और अपने चंद्र राशि दोनों से इस गोचर को देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक टाइम स्टैम्प डाल के रखा है ताकि आपको पूरा लंबा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जा करके अपने लग्न या अपनी राशि को चुन करके उस पर क्लिक करके सीधा उसी जगह पे पहुंचोगे जहां पर मैं किसी एक लग्न के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली राशि जो है वो है मेष। तो मेष राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और सातवें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 12वें घर से प्रस्थान करेंगे, वहां से भ्रमण करेंगे। यहां पर आप देखोगे कि 12वां घर जो है वो आपको विदेश से जोड़ता है, खर्चों से जोड़ता है। फाइनेंशियली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। और खर्चे क्या करोगे आप अपने लिए सामान लेके आओगे, घर के लिए कुछ सामान लेके आओगे, मटेरियल चीज़ों पे आप खर्च करोगे। प्रोफेशन को लेकर के, आपके काम को लेकर के ये एक अच्छा समय है, प्रमोशन है आपके लिए, आपके लिए सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी प्रॉफिट अच्छा बना लोगे आप। आपके व्यक्तित्व जीवन में, अपने खुद के जीवन में आप देखोगे तो ये एक अच्छा समय है जहाँ पे आप अपने जीवन साथी के साथ में एक अच्छी खासी जिंदगी गुजारोगे। एक अच्छा मधुर समय आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। सेहत को लेकर के भी ये छोटी मोटी चिंताएं आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगी, लेकिन अदरवाइज ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगली राशि है वृषभ राशि। आपके पहले घर के और छठे घर के स्वामी होकर के 11वें घर से शुक्र भ्रमण करेंगे, तो यहाँ पे 11वां घर जो है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसीलिए आप देखोगे कि प्रोफेशन के अंदर भी आप अच्छा करोगे, आपको वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो रही है। जो भी आपने सोच रखा है, चाहे करियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, आपको एक अच्छा समय देखने मिलेगा। मन की शांति, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। पैसों को लेकर के भी फेवरेबल पीरियड है, पैसे भी आपके पास आ रहे हैं, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है। बिजनेस करते हैं तो बहुत सारा मुनाफा होने की संभावना है,
आपके खुद के जीवन में, व्यक्तित्व जीवन में आप एक अच्छा समय बिताओगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर लव लाइफ में भी। शादीशुदा हो, अच्छा पीरियड है आपके लिए, सेहत को लेकर के भी सुधार हो रहा है, अच्छा है अगर आप कुछ दिनों से पीड़ित चल रहे थे तो। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और 12वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 10वें घर से भ्रमण करेंगे। यहाँ पर ये एक अच्छा समय है आपके करियर के लिए और आपके ग्रोथ के लिए, और ख़ास करके अगर आपका करियर अगर फॉरेन या फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रमोशन है, आपका नाम रुतबा बढ़ रहा है। पैसों को लेकर के भी चिंता नहीं कीजिएगा, आपने जहाँ जहाँ पर निवेश किया है वहाँ से भी प्रॉफिट आपको आता नज़र आ रहा है। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहेगी, प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद में आप देखोगे कि शादीशुदा जीवन में भी एक अच्छा समय बिताओगे आप बच्चों के साथ, अपनी पत्नी पति के साथ। सेहत को लेकर के छोटी मोटी चिंताएं हो सकती है, थोड़ा बहुत मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस रह सकता है, बट ज़्यादा लंबा गोचर नहीं है, 20-25 दिन की बात है, निकल जाएगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए 4थे और 11वें घर के स्वामी होकर के भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर से ऊंच के शुक्र भ्रमण करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पीरियड है प्रोफेशनली भी। आप में जो कला है, आप में जो क्षमता है, उसको पूरी तरह से आप निखारोगे, आप और भी कलाओं को सीखने में रुचि रखोगे। आपकी सैलरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। पैसों को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूँ कि शायद आपके मन में आए कि आप एक प्रॉपर्टी परचेस करो, और या तो कम से कम प्रॉपर्टी परचेस करो, घर को रेनोवेट करो, गाड़ी खरीदो। बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट नज़र आता है। आपकी पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसे आप गुरु मानते हो या उनकी बातें सुनते हो, वो आपको बहुत सही सलाह देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे आपको। अगर आप प्लान कर रहे हो एक लंबी यात्रा के लिए फैमिली के साथ, तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हो, रोमांस में हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सेहत भी बिल्कुल फिट रहेगी, फाइन रहेगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके 3रे घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के अष्टम में ऊंच के शुक्र हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी आपको, आपके करियर में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग पीरियड देखने मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत करियर में आपको एक धक्का पहुँचे, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाइएगा। देखिए जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा। आपको अचानक से आध्यात्मिक चीज़ों में या फिर ज्योतिष विद्या में या तो फिर रेकी में, टैरो में, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा। रिसर्च की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है। पैसों को लेकर के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जीवन बहुत साधारण एवरेज रहेगा, ज़्यादा चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपके ससुराल पक्ष से भी चीज़ें ठीक ठाक है। सेहत को लेकर के 8वें घर की बात है, तो थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा, अपनी आंखों का भी ख्याल रखिएगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए 2रे घर के और 9वें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के होकर के 7वें घर से भ्रमण कर रहे हैं। 7वां घर जो है वो आपके पति पत्नी का यानी कि जीवन साथी का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर का है, यात्राओं का है। ये एक अच्छा समय है, आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या आप करियर प्रोफेशन में हो। तो आपका अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है तो पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी निभेगी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपका नाम रुतबा इज्जत मान सम्मान बढ़ रहा है। पैसों को लेकर के इनकम बढ़ रही है और आप जो पैसे आ रहे हैं उसमें से काफ़ी पैसा जो है वो यात्राओं पे खर्च करोगे, लंबी लंबी यात्राएं करने का मूड करेगा आपको। आपके पर्सनल जीवन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपके शादीशुदा जीवन में, तो वो आप मिलजुल करके आपस में समझौता कर रहे हो। सेहत को लेकर के बिल्कुल फिट फाइन हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके 1ले घर के और 8वें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के होकर के मीन राशि में 6ठे घर में बैठ रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनली आपको
मेहनत करनी होगी, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी आपको, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों से अनबन हो जाए, चाहे वो सीनियर हो, कलीग हो, आपके साथ में लोग काम कर रहे हो। प्रमोशन के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो प्रमोशन या तो फिर इंक्रीमेंट में और देरी होने की संभावना है, आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखे, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सेहत को लेकर के थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, बाकी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के मीन राशि में बैठ रहे हैं 5वें घर में। 5वें घर में आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वाले प्रमोशन देख सकते हैं, इंक्रीमेंट देख सकते हैं, अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो और फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है, यात्रा करने की संभावना है। मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन लीजिए और ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही रहेगा। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी ये एक एवरेज पीरियड है। मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि शेयर मार्केट में या ऐसी कोई चीज़ों में जहाँ पे सट्टेबाजी करने वाला जो होता है उसमें आप हाथ मत डालिएगा, आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेशनशिप अच्छे होते जा रहे हैं, मधुरता आ रही है उसमें। प्यार करते हैं किसी से, लव रिलेशन में हो अगर आप, तो आपके लिए समय ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आपको एक खुशखबरी मिले, कोई नया मेहमान आपके घर आ रहा हो, ऐसी खुशखबरी मिल सकती है आपको। सेहत को लेकर के ये बहुत अच्छा पीरियड है, मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी बिल्कुल सही है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 6वें घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के मीन राशि में बैठेंगे 4थे घर में। अब 11वें घर का स्वामी अगर 4थे घर में बैठ जाए तो और क्या चाहिए आपको, ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करेंगे, आप करियर में बेहतरीन कर रहे हैं, आप अच्छा काम दिखा रहे हैं, अच्छा परिणाम मिल रहा है, फाइनेंशियली भी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है। आप पैसे आने की वजह से आपके घर में कंफर्ट, लग्जरी और नई गाड़ी खरीदने का सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करने का सोचें, घर में कुछ चीज़ें चेंज करने का सोचें। आप अपने अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिताओगे, दोस्तों के साथ में भी। ये एक बहुत अच्छा समय है, आपके जीवन साथी के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और हो सकता है कि जीवन साथी के साथ में कहीं पे यात्रा पे भी जाओ, थोड़ा बहुत एंजॉय करो आप। सेहत को लेकर के भी बिल्कुल मानसिक और शारीरिक तौर पे बिल्कुल फिट हो आप, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के मीन राशि में आपके 3रे घर में बैठ रहे हैं। 3रे घर से हम देखते हैं मास, मीडिया, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, पब्लिकेशन, छोटी मोटी यात्राएं, आपके दोस्त। मैं देख पा रहा हूं प्रोफेशनली में आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपके जो साथ में लोग काम करते हैं उनके साथ में एक प्रमोशन देख पा रहा हूं, इंक्रीमेंट देख पा रहा हूं। और आप थोड़ा सा खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, बट खर्च कर लीजिए क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके व्यक्तित्व जीवन में देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ में एक अच्छा मधुरता आ रही है। बच्चों से कुछ ऐसी खुशखबरी भी आ सकती है या बच्चों की वजह से कुछ फ़ायदा हो सकता है आपका, और आप एक बहुत अच्छा समय जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी टाइम बिताओगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और हो सकता है कि आप अपने परिवार सहित छोटी मोटी यात्रा करने के लिए आप यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हो, इसे हम वैकेशन भी कह सकते हैं। सेहत को लेकर के बिल्कुल अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी परेशानी सबको आती रहती है, वो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ।
कुंभ राशि वालों के लिए आपके चौथे घर के और भाग्य स्थान के नौवें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके धन भाव यानी कि दूसरे घर में ऊंच के होकर के बैठने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है आपके करियर के लिए, करियर में ग्रोथ एक उछाल देख पा रहा हूँ, हर तरह से आपको बेनिफिट हो रहा है। फाइनेंस को देख करके खर्चे हैं थोड़े से बड़े हैं खर्चे आपके, और आप अपने फैमिली पे ही खर्चा कर रहे हो। अगर आप कोई ज़्यादा अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। घर के लिए कुछ लग्जरियस आइटम खरीदने की आपकी इच्छा होगी, आप वो भी खरीदोगे। पर्सनल लाइफ के अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप है आपके, आपके पिता के साथ अच्छा रिलेशन है, या जिसको आप पिता समान मानते हो उनके साथ में रिश्ता काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिंगल हो, अब तक कोई जीवन में नहीं है, तो जीवन में किसी के आने की संभावना बनी हुई है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कोई ना कोई स्त्री से, कोई ना कोई फीमेल से आपको कोई ना कोई मुनाफा हो सकता है, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो। आप देखोगे कि आप अपने परिवार के साथ में कुछ प्लानिंग करोगे, और समय जैसा होता है ना, गेट टुगेदर करना, आपस में कोई कार्यक्रम करना, साथ में बैठना, इसमें आपका वक्त अच्छा बीतेगा। सेहत को लेकर के कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके तीसरे और आठवें घर के स्वामी होकर के शुक्र ऊंच के आपके लग्न में मीन राशि में बैठ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, अगर आप प्रोफेशनली कहीं काम भी करते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। अचानक से आपका इंटरेस्ट कोई ऐसी विद्याओं में जाएगा जिसका हम कहते हैं, जैसे कि रिसर्च करना, कोई ऐसी ज्योतिष विद्या हो गई, या इन चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा और उससे काफ़ी मुनाफा भी आपको हो सकता है। फाइनेंशियली पैसों को लेकर के भी आप खर्चा करोगे, और पैसे आ भी रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। यहाँ पे कुल मिलाकर के पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, अच्छी है, और पैसों की आवक भी लगातार चालू है, आ रही है पैसे। कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बड़ा हुआ है, यानी कि आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हो इस वक्त। ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे शादी करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, और अगर आप शादीशुदा हो तो क्योंकि पहले घर से सातवें घर में दृष्टि पड़ रही है ऊंच के शुक्र की, तो अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा एक मधुरता आ रही है। सेहत को लेकर के छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण सबके सब 12 लग्न और राशियों के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।